तो ये देखिए यहाँ से है ऑकरेज जाने का रास्ता। और देखिए ऑकरेज का बोर्ड लगा है यहाँ पर, ये धनोल्टी से थोड़ा ऊपर है बटवाल धार में, जो कि 3 किलोमीटर है धनोल्टी से। और आप ये देखें यहाँ पर कांटेक्ट नंबर है ये, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रूम्स वगैरह चाहिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑकरेज में हम पहुँच चुके हैं नीचे, और ये देखिए यहाँ पर झूला वगैरह भी है, तो यहाँ से काफ़ी बेहतरीन नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। और ये देखिए नीचे का व्यू, अगर ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रूम्स हैं प्रीमियम क्वालिटी के। और उधर भी है देखिए, पूरा वहाँ तक है नीचे। देखिए यहाँ से क्या बढ़िया व्यू आता है दोस्तों, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, जहाँ भी आप देखेंगे बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी आपको। एक बार मैं वाइड एंगल दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो यहाँ से भी एक एंट्री है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से पूरा दिख रहा है आपको होम स्टे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ किस तरीके के रूम्स हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, और अब दिखाता हूँ मैं आपको विंडो से, देखिए काफ़ी बढ़िया जो है आपको नज़ारे दिखेंगे, पूरा व्यू अच्छा यहाँ से दिखता है, चाहे कोई सा भी मौसम हो बहुत ही बढ़िया यहाँ से व्यू दिखता है। और यहाँ से देखिए आगे बालकनी भी है, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और फिलहाल तो देखिए क्या ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो रखी है, और यहाँ पर दिसंबर से लेके मार्च तक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। वाला ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। एक छोटा सा ब्लॉग था इन्फॉर्मेशन के लिए कि धनोल्टी में कहाँ पर बढ़िया जगह है रुकने के लिए। तो मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, और मैं भी पूरा सफ़ेद हो चुका हूँ, ब्लू मैन बोला जाता है।